हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शो कड़क रिएक्शन। मैं मोहम्मद शावीस, मोहम्मद इनायत। आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं मार्वल स्टूडियोज के एक नए ट्रेलर के ऊपर जिसका नाम है एटर्नल्स। एटर्नल्स, वाओ। ओके, आई थिंक ये तीसरी फिल्म है, सेकेंड फेज, सेकेंड है फोर्थ फेज है, कौन सा फेज है ये? ये सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज से थर्ड फिल्म है ये जो कि आने वाली है। इससे पहले दो फिल्में और आ जाएंगी। ये फिल्म आएगी नवंबर में इंडिया में। ओके, सो पहले तो विल सी द ट्रेलर, देख लेते हैं उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसकी डिटेल्स हमने दिए हैं। लेट्स स्टार्ट। ओ Five years ago, Thanos erased half of the population of the universe. But the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger. The sudden return of the population provided the necessary energy for the emergence to begin. How long do we have? 7 days. We're Eternals. We came here 7,000 years ago to protect humans from the deviants. Why didn't you guys help fight Thanos? Or any war, all the other terrible things throughout history? We were instructed not to interfere in any human conflicts unless Stevens involved. By who? Oh, there's someone. We need to find the others. I haven't seen some of them for centuries. Hi. Hello. This is what the end of the world looks like. You know what's never saved the planet? Your sarcasm. We have loved these people since the day we arrived. When you love something, you protect it. I bet you've built the perfect safe house. Well, what's this even made of? Vibranium? Fall collection. IKEA. IKEA. Fall collection. Okay. Nice joke. आई होप कि ये यू नो सब कुछ नॉर्मल हो जाए यहाँ पर, कहीं ये फिर ये कोई लॉकडाउन वगैरह के चक्कर में ये फिल्म में कहीं पोस्टपोन ना हो जाए। बट दीज मूवीज शुड नेवर कम ऑन ओटीटी, नेवर, शुड वेट फॉर इवन फॉर ईयर, कोई बात नहीं। या लास्ट जोक वाज अमेजिंग, फॉल कलेक्शन, फॉल कलेक्शन, या आईकिया, वाह, अमेजिंग अमेजिंग। यू नो जब इसका टीजर वगैरह आया था नहीं, तो हर किसी के मन में यही सवाल था कि अगर ये लोग थे, टीजर में बताया गया था कि 7,000 ईयर्स पहले ये लोग आ गए थे अर्थ में, उन्होंने गाइड किया था ह्यूमंस को कैसे जीना है, क्या करना है एंड ऑल, तो सबके दिमाग में एक सवाल था कि अगर ये थे तो जब थानोस का वक्त था तब ये लोग कहाँ थे एग्जैक्ट। सो बहुत सवाल चल रहा था और फाइनली ट्रेलर में उन्होंने उसका जवाब कर दिया कि वो थे लेकिन वो नहीं Because someone asked them to not to interfere in human things. In human things. Abhi, I think this is the time जहाँ पर फिर deviants वापस आ चुके हैं. That's the reason they are back again. अभी वो पूछते हैं कि किसने बोला तुमको? तो एक कुछ बड़ी सी एक massive एक कुछ होता है वहाँ पे, किसी का दिखाता है, एक ये दिखाता है वो. Then it stops. Then we don't know who it is. Yeah, किसने बोला था मत जाओ, ये इतना जल्दी रिवील भी नहीं करेंगे. I think it will take almost 3-4 parts to reveal. जैसे कि थानोस को रिवील किया गया था ना,
एक और एक था वहाँ पे, एक लाइन थी कि आई हैव नॉट सीन देम इन द इन सेंचुरीज बोल के, मतलब दूसरे एटर्नल्स को, देयर फेलो एटर्नल्स को, वो कहाँ पे है, सबको ढूंढ रहे हैं वो. यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है कि दे आर ओनली ट्राइंग टू फाइंड द अदर एटर्नल्स, कहाँ कहाँ हैं बोल के ये करके ढूंढ रहे हैं सबको. बाद में इस मूवी में सिर्फ एटर्नल्स जुड़ के आते हैं, पता लगता है कि एटर्नल्स हैं क्या, क्या हो रहा है बोल के, इसके बाद दिल गो. Yeah, I think. But there will be any kind of thing, मतलब कि कुछ ना कुछ तो होगा, because पूरी फिल्म ये लोग सिर्फ Eternals को जोड़ने के लिए नहीं बर्बाद करेंगे. हाँ हाँ. शायद. Avengers नहीं. Avengers भी जुड़े थे Avengers में ही. उसके बाद वो जुड़ने के बाद उन्होंने कुछ चीजों के ऊपर फाइट भी किया, जैसे कि लोकी का थिंग हुआ था. वही वही. They'll all gather around, चाहे दो घंटे की पिक्चर होगी, दो घंटे में they'll all gather around, they'll fight with the demons, शायद initially stage पे. उसके बाद ये स्टोरी सेट करेंगे, फिर होता होता जाएगा बाद. They'll keep building it. और बहुत सारे आई थिंक सी फेज वन में ये था कि थॉर वापस आ रहे हैं, थॉर रैंगरोग आ रही है. ओके, सो गैलेक्सी ऑफ गार्डियंस वापस आ रहे हैं, ये सब वापस, इनकी सब फिल्में आ रही हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज आ रही है सेकंड पार्ट. आई थिंक ये सब जो बाद में फिर एटर्नल्स को ज्वाइन भी करेंगे. हाँ, ऑल ऑफ देम विल जॉइन एटर्नल्स. नहीं, सारे के सारे. थॉर ये अगले साल आ रही है, अगले साल अप्रैल समथिंग में आ रही है. गैलेक्सी ऑफ गार्डियंस भी आ रही है. सो आई थिंक इनके जैसे जैसे एवेंजर्स के पार्ट्स आए थे, वैसे वैसे एटर्नल्स के पार्ट्स आएंगे, जिसमें लोग शायद फिर जुड़ते रहेंगे. डॉक्टर स्ट्रेंज का तो नहीं पता, बट थॉर इज कमिंग. अच्छा, डॉक्टर स्ट्रेंज एटर्नल्स पता नहीं, लेकिन हाँ थॉर का तो डेफिनेटली इज कमिंग. जो ब्लैक पैंथर का पार्ट स्टॉप हुआ था ना, वो भी आई थिंक आ रहा है. अच्छा अच्छा. उन्होंने अनाउंस किया है. नो नो, डॉक्टर स्ट्रेंज इज कमिंग, बट आई डोंट नो कि वो इटर्नल्स का पार्ट होंगे या नहीं. बट अगेन ही इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इटर्नल्स को, थॉर. वो तभी बोला गया था कि नाउ दे आर गोइंग टू अदर गैलेक्सी, तो भी डेफिनेटली पार्ट होंगे वो बोल के. वो और ये जो है, वो क्या है उनका नाम, का गैलेक्सी ऑफ ग्रूट और वो, सॉरी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी, सॉरी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी. Yeah, but this is an amazing trailer, man. Amazing trailer, yeah. You know, वाया. हाँ. वो लगा कि मार्वल की मूवी देख रहे हैं. मार्वल की मूवी देख रहे हैं. एंड यू नो, डेफिनेटली जब ये एवेंजर्स का खत्म हुआ था नई पार्ट, तो उसके बाद हर किसी के मन में ये था कि क्या ये क्रेज फिर सेट कर पाएंगे ये लोग. क्या इतना प्यार जो एवेंजर्स को मिलता है, वो क्या दूसरे जब भी कोई भी आएगा तो क्या मिल पाएगा एंड ऑल. बट यहाँ पर यू नो, बढ़ रहा है कि हाइप बढ़ रहा है कि नहीं, इसे वो प्यार मिलेगा या नॉट द लव जो कि आयरन मैन को, कैप्टन अमेरिका को, उनके लिए यू नो, द किड्स जो कि आज 25 और 30 के बीच में है, उस वक्त वो लोग थे अपने टीन एज में. ओके, वो बढ़ रहे थे, सो उनकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट रहा है वो. सो डेफिनेटली वो लोग उनके अलावा शायद किसी को और पसंद ना कर पाए. वैसा वो लव क्रिएट करना इट्स डिफिकल्ट, बट लेट्स सी क्या होता है. मे बी वो एक और मुकाम पे ले जाएं इस लव को. मे बी दे कैन टेक इट टू हायर लेवल, बिकॉज मार्वल कैन डू एनीथिंग एंड दे हैव बीन यू नो सेटिंग अप माइलस्टोन्स इन ईच एंड एवरी कॉर्नर. दिस इज व्हाट दे कैन डू इट. चलो, इट्स गुड, वी एंजॉयड इट. व्हाट अ अमेजिंग मार्वल इफेक्ट जो क्रिएट किया हमारे माइंड में. एंड या डेफिनेटली द अमेजिंग एक्टर्स इसमें जो हैं, किट हैरिंगटन हो या एंजेलिना जोली हो, नो सलमा हायक हो, द अमेजिंग एक्टर्स. आई थिंक दिस इज अ वेरी ह्यूज कास्ट. ह्यूज कास्ट. यू नो, किट हैरिंगटन को सब मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स में लास्ट देखा था, उसके बाद कोई भी स्टफ नहीं देखा मैंने. यहाँ पर उनको देखा, दो भाइयों को देखने में मजा आएगा. लेट्स सी. यू हैव नॉट सीन गेम ऑफ थ्रोन्स? नहीं. यू हैव नॉट सीन? नो. अगर देख के रहते तो पहचान बहुत लंबा हो है. बट हाँ, आई हैव सीन हिम, मतलब उसके फेस वगैरह देखे हैं सबके, उनके मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स छोटे बहुत देखे. या सो दिस वाज आवर रिएक्शन टू मार्वल स्टूडियोज एटर्नल्स फाइनल ट्रेलर. जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं. दिस इज मोहम्मद शाबिस, मोहम्मद इनायत साइनिंग ऑफ.